वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लिख रहा हूँ मोस्ट रिपीटेबल अप्रोक्स 70 क्वेश्चन, जो वेरी वेरी रिपीटेबल क्वेश्चन है, जो किसी भी जो है एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो वो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फॉर्म ऑफ सल्फर विच इज़ मोस्ट स्टेबल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो वो सल्फर का कौन सा फॉर्म है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बहुत ही अच्छा स्टेबल होता है, रहता है? तो वो है रोम्बिक। रोम्बिक एक जो है सल्फ्यूरिक का जो है फॉर्म। नेक्स्ट द इलेक्ट्रोफ ऑफ सल्फर विच इज इनसॉल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो यह है प्लास्टिक सल्फर। ये आप जानते हो कि प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का मतलब कि इनसॉल्यूबल है। तो ऐसे ही आप इसे रट्टा मार लेना कि जो है वो है प्लास्टिक सल्फर। ओलियम इज, ओलियम क्या है दोस्तों? तो ओलियम जो है सल्फ्यूरिक एसिड सेचूरेटेड विथ सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ जो सेचूरेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसे ही हम कहते हैं ओलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है ओलियम में भी रिप्रेजेंटेड बाई फार्मूला ऑफ। तो ओलियम का जो फार्मूला है H2S2O7 है। नेक्स्ट है ओलियम के फ्यूम ऑफ, ओलियम किस चीज़ का फ्यूम देता है? तो ये जो है SO3 का फ्यूम देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 18 डिग्री टेम्परेचर। तो 65% ओलियम। नेक्स्ट है हमारा H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरी स्ट्रीम इज़ रिक्वायर्ड बाई स्क्रबिंग विथ, यानी कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम स्क्रबिंग करते हैं तो उसमें किस केमिकल का यूज करते हैं स्क्रबिंग कराने के लिए? तो वो है एथेनॉल एमाइन का। नेक्स्ट है सल्फर इज प्रोड्यूस बाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ H2S द कैटालिस्ट यूज इन अ प्रोसेस। इस कह रहा है कि जो जब हम जो है सल्फर जो है हम प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो उस समय कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है प्रोसेस में? तो ये दोस्तों Al2O3। नेक्स्ट है विच सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ गोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन अ वाटर। तो ये जो है सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड, जब हम जो है सल्फर डाइऑक्साइड को पास कराते हैं गोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर में, तो वो जो है सल्फर क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज, जो हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं वो उससे जो है एकदम प्योर एंड कंसंट्रेटेड हमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि आइडियल गैस लॉ इज़ द बेस्ट ओवे एज अ गैसेज एट। कह रहा है कि जो आइडियल गैस लॉ है वो जो है किस पे जो है गैसेस का ला का जो है सबसे ज़्यादा किस कंडीशन में फॉलोअप करता है? तो उसके लिए आइडियल गैस ला जो है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो है पालन करता है। नेक्स्ट है सेकेंड ला ऑफ थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विथ। तो सेकेंड ला में हमें ये पता चलता है जो है थर्मोडायनेमिक्स के कि एनर्जी ट्रांसफ़र का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि उसी में हमें पता चलता है कि जो है एनर्जी जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। तीसरा कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम एट अ ट्रिपल पॉइंट विल बी। तो ट्रिपल पॉइंट पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है जीरो होती है। नेक्स्ट है पिक आउट द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी है? तो वो फ्री एनर्जी है। नेक्स्ट है स्क्रीन एफिशिएंसी इज, तो स्क्रीन की जो एफिशिएंसी है ना वो रिकवरी कहलाती है ना रिजेक्शन कहलाती है ना रिकवरी रिजेक्शन कहलाती है, यानी कि नौ नौ दीज है। नेक्स्ट है द लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, जो अचानक जो है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो लॉस होता है वो जो टर्बुलेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट, तो ये जो है शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट है प्रेशर ड्रॉप इन अ फ्लूडाइज बेड रिएक्टर मोर देन, क्या होता है दोस्तों? मोर देन दैट इन अ सिमिलर पैक बेड रिएक्टर, यानी कि सिमिलर पैक बेड रिएक्टर से जो है ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा कैविटेशन ऑकर इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप व्हेन अ सक्शन प्रेशर इज, तो दोस्तों लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट अ टेम्परेचर।
एट अ सेम टेम्परेचर, है ना। नेक्स्ट सी एस सी ओ थ्री कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा है कि उसमें जो कैल्शियम का मोलकुलर वेट कितना है, वेट के वेट बेसिस पे कैल्शियम कितना है, तो वो जो है दोस्तों 40 है। नेक्स्ट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन विच डिसाइड द, तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या डिसाइड करते हैं दोस्तों, कन्वर्जन डिसाइड करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट फोगासिटी एंड प्रेशर आर न्यूमेरिकली जो है इक्वल है व्हेन द गैस इज, तो आइडियल स्टेट, जब गैस की जो कंडीशन है वो आइडियल स्टेट में रहेगी तो फ्यूगासिटी और प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, कूल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज, तो उसे मोलारिटी कहेंगे। इसी का अपोजिट जो है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन के जी ऑफ सॉल्वेंट, तो उसे मोलालिटी कहेंगे। नेक्स्ट विद द इंक्रीज द टेम्परेचर द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो वो दोस्तों इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू अ क्लोज कंडक्ट इज, तो जो है लॉगरिथमिक होती है। नेक्स्ट इन अ फ्लोडाइड बेड रिएक्टर तो टेम्परेचर इज मोर या लेस यूनिफॉर्म, यानी कि फ्लोडाइड बेड रिएक्टर में जो टेम्परेचर है या तो कम होगा या जो है ज़्यादा होगा, यानी कि जो है वो एक कांस्टेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा अ वेपर हुज पार्शियल प्रेशर इज लेस देन द एक्वेरियम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड, तो उसे सुपर हीटेड वेपर कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर साइजिंग ऑफ मटेरियल द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट इज, तो वाइब्रेटिंग स्क्रीन है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टिकी मटेरियल, तो है दोस्तों स्क्रू कन्वेयर। बाल मिल यूज फॉर, बाल मिल का यूज कहाँ होता है, तो फाइन ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। और पार्टिकल साइज इज रिड्यूस तो स्क्रीन बिकम प्रोग्रेसिवली मोर डिफिकल्ट, उस समय जो है पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ गैस विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, तो इंक्रीज स्लोली होता है। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ, तो वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी बढ़ जाता है। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन कहाँ आकर होता है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, तो यह कंटामिनेटेड एंड कूलिंग सरफेस पे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ के जी वेपराइज पर के जी ऑफ स्टीम फेड इन अ रिएक्टर इज डिफाइंड, तो यह है दोस्तों इकोनॉमी, इस जो है एक तरह से ये ऑपरेटर की इकोनॉमी कहला जाती है। नेक्स्ट मल्टीपल इफेक्ट ऑपरेटर आर यूज टू, तो इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी, स्टीम की इकोनॉमी इंक्रीज कराने के लिए हम मल्टी इफेक्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वेफल्स आर प्रोवाइड इन हीट एक्सचेंजर टू इंक्रीज, तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, हीट ट्रांसफर इन कोएफिशिएंट को बढ़ाने के लिए हम जो है बफल्स का यूज हीट एक्सचेंजर में करते हैं। नेक्स्ट है फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर कहाँ यूज होता है दोस्तों, और जो है इसमें फिन्स का क्या रोल है, तो फिन्स जो होते हैं गिव लार्जर एरिया पर ट्यूब, वो पर ट्यूब के पे जो है लार्जर एरिया देती है। नेक्स्ट है एज अ रिफ्लक्स रेशियो द कंटिन्यूस काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन इज इंक्रीज द नंबर ऑफ स्ट्रेस, यानी कि जो है रिफ्लक्स रेशियो एक तरह से इंक्रीज करा रहे हो तो नंबर ऑफ स्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एक बार और इसको देख लेना फ्लडिंग रिजल्ट इन, तो जो है बहुत जगह मैंने इसको साइड पे देखा तो फ्लडिंग का जो रिजल्ट है लो ट्रे एफिशिएंसी दिखा रहा है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से फ्लडिंग की डिफिनेशन देखो तो फ्लडिंग कब अकर होती है, जब हमारी गैस की वेलोसिटी बहुत तेज़ हो जाती है तो लिक्विड को नीचे आने ही नहीं देती, वो पूरी की पूरी गैस जो है उस लिक्विड को उठा के कंडेंसर में ला के पटक देती है, जिसे हम फ्लडिंग कहते हैं। लेकिन ये जो है 32वां क्वेश्चन जो है कई मैंने साइट पे भी देखा और जो है एक बुक में भी देखा था, तो उसमें भी ऑप्शन जो है बी सही है, लो ट्रे एफिशिएंसी, जबकि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, हाई गैस वेलोसिटी। आपके क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है वेरी टॉल पैक्ड टावर आर डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ बेड टू, तो ये जो है अवॉइड चैनलिंग से बचने के लिए। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर, तो हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव, हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव के लिए हमारा होता है। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द एक्वेरियम कन्वर्जन ऑफ रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वो जो है दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो है आपका जो है अगर टेम्परेचर घटा रहे हो
इक्विलिब्रियम ऑफ कन्वर्जन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल पीएफआर। तो आइडियल पीएफआर का जो है मेन जो है करेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों, तो फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल उसका करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है अब बैच रिएक्टर इज, तो बैच रिएक्टर जो होता है दोस्तों सूटेबल फॉर लिक्विड फेज रिएक्शन इन्वॉल्विंग स्मॉल प्रोडक्शन रेट, जहाँ पे स्मॉल प्रोडक्शन रेट चाहिए और लिक्विड फेज में रिएक्शन हो रही है, तो वहाँ पे आपका अब बैच रिएक्शन, बैच जो है रिएक्टर का यूज करेंगे, बैच रिएक्टर का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सूटेबल फॉर अ वेरी हाई प्रेशर गैस फेज रिएक्शन, तो उसके लिए जो है गैस फेज रिएक्शन में आपका आता है ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर। नेक्स्ट है कैटलिस्ट कैरियर, कैटलिस्ट कैरियर क्या होते हैं दोस्तों, तो कैटलिस्ट जो कैरीज करता है प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिव मटेरियल, ये जो है एक्टिव मटेरियल पे जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करा देता है जिससे रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से होता है। नेक्स्ट, द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज विथ द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज बाई डिक्रीज द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर घटाओगे तो रेट ऑफ जो है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ केमिकल प्रोसेस प्लांट, तो केमिकल प्रोसेस प्लांट में जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस जनरल एक्सपेंस का रेशो नहीं होती, ये जो है एक तरह से करेक्ट नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। नेक्स्ट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट कॉस्ट इन अ केमिकल प्लांट कटराइज एज अ, तो ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट जो हमारा होता है वो जो है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट कॉस्ट उसमें हम ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी कॉस्ट इन अ ऑपरेशन ऑफ केमिकल प्रोसेस प्लांट कम अंडर द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कॉस्ट, ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट होती है। नेक्स्ट है इन अ फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू केमिकल प्लांट विच इज द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज वैल्यू, तो जो है असेट बराबर इक्विटीज, ये जो है हमारा रिलेशनशिप दोनों की होती है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर कंट्रोल सिस्टम फॉर अ चेंज असेट पॉइंट नोन एज या इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं सर्वो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है थर्मल वेल आर यूज टू टेम्परेचर मेजरमेंट टू, तो ये गार्ड अगेंस्ट कोरोजन एंड ऑक्सीडाइजेशन एक्शन ऑफ द थर्मोकपल मटेरियल, ये जो है थर्मोवेल जो होते हैं एक तरह से जो आपका जो थर्मोकपल मटेरियल है उस पे जो है उस मटेरियल का जो है ऑक्सीडेशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा या उस पे कोरोजिव हो जाएगा, तो इसलिए उसको बचाता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज अ लिस्ट मैक्सिमम डेविएशन, तो लिस्ट मैक्सिमम डेविएशन जो है पीटी कंट्रोलर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ एरिया फ्लो मीटर, यानी कि एरिया मीटर किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं रोटामीटर को। यूज ऑफ आई जो है आई कंट्रोल एलोंग विथ पी कंट्रोल फैसिलेट, तो एलिमिनेट ऑफसेट, ये ऑफसेट को एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट है द फ्लूड यूज टू हाइड्रोलिक कंट्रोलर इज, हाइड्रोलिक कंट्रोलर में कौन सा फ्लूड यूज करते हैं, तो वो है ऑयल। जिप्सम को केमिकली क्या कहते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। फ्री एल्कली इन अ टॉयलेट सोप इज, तो लेस देन दैट अ लॉन्ड्री सोप, ये लॉन्ड्री सोप से उसकी जो है एल्कली जो है उसमें फ्री एल्कली जो है कम होता है। नेक्स्ट है विच ऑयल इज प्रीफर फॉर द पेंट मैन्युफैक्चरिंग, पेंट मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा ऑयल प्रीफर होता है, तो ड्राइंग ऑयल जितने होते हैं उसे हम पेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन प्रोड्यूस, तो उसमें जो है हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन में जो है इंटरफेरियर को कंपेयर टू द लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन या लार्जर क्वान्टिटी ऑफ टार कंपेयर टू द लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन या लेस ऑफ गैसेस कंपेयर टू द लिक्विड प्रोडक्ट, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमनली यूज रबर वल्कनाइजेशन एजेंट, सबसे जो है वल्कनाइजेशन एजेंट में मोस्टली हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, तो सल्फर कंपाउंड यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इन यूरिया प्रोडक्शन अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो बायरेट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कैटलिस्ट यूज इन अ कैटालिटिक फॉर्मिंग, तो है दोस्तों प्लेटिनम और एलुमिना,
नेक्स्ट है द कैटलिस्ट यूज इन शिफ्ट कन्वर्टर, तो वो है दोस्तों निकिल। शिफ्ट कन्वर्टर में जो है निकिल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैटलिस्ट यूज इन कैटलिक क्रैकिंग, इन जो कैटलिक क्रैकिंग होता है उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है दोस्तों, तो ये सिलिका एलुमिना होता है। द मेन एम ऑफ क्रैकिंग इज टू प्रोड्यूस, तो जो क्रैकिंग का मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, गैसोलीन प्रोड्यूस करना। गैसोलीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम मेन बेसिकली क्रैकिंग करते हैं। तो आई होप ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ये बहुत ही रिपीटेबल हैं, तो इनको जो है आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। और इसमें जो है मैंने बहुत कम इसमें गलतियां करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई गलती हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।